हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासत नामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो इंग्लिश में बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर 6 वर्ल्ड एनिमल डे, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। यहाँ तक हमारा हो गया था, अब डी पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मंकी एंड स्क्विरल ब्रिंग फॉर एवरीवन एट पार्टी। देखो सारे जानवर मिलके पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनका दिन था, जैसे चिल्ड्रन डे होता है आप पार्टी करते हो, टीचर्स डे होता है ना, तो उनका दिन था वर्ल्ड एनिमल डे, तो वो सब मिलके पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी कर रहे थे तो मंकी क्या लेके आया था सबके लिए और स्क्विरल क्या लेके आई थी सबके लिए। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से करवा देती हूँ आपको। मंकी, द मंकी ब्रॉट मैंगोज एंड द स्क्विरल ब्रॉट क्रंची नट्स फॉर एवरीवन। तो मंकी क्या लेके आया था, मंकी ब्रॉट यानी लेके आना, मैंगोज लेके आया था, आम, बंदर क्या लेके आया था, आम लेके आया था, और जो स्क्विरल थी वो क्या लेके आई थी सबके लिए, क्रंची नट्स, ठीक है, फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हु ब्रॉट अ पिज़्ज़ा फॉर ऑल एनिमल्स। जो पिज़्ज़ा कौन लेके आया था, हु ब्रॉट, कौन लेके आया था पिज़्ज़ा, द जेब्रा, द जेब्रा ब्रॉट अ पिज़्ज़ा फॉर ऑल द एनिमल्स, द जेब्रा। बाकी तो सब क्वेश्चन में आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, द जेब्रा, बट लिखना आपको सारा ही है, द जेब्रा ब्रॉट अ पिज़्ज़ा फॉर ऑल द एनिमल्स, सबके लिए क्या लेके आया था, पिज़्ज़ा लेके आया था। ओके, नेक्स्ट वन इज़, वट वॉज द पिज़्ज़ा टॉप्ड विद। टॉप्ड होता है मतलब पिज़्ज़ा को ऊपर जो होता है वो क्या क्या चीज़ें थी। पिज़्ज़ा आपने कभी पिज़्ज़ा खाया हो, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अनियन होता है, टमाटो होता है, चीज़ होता है ना, चीज़ यानी पनीर होता है, बड़ा ही टेस्टी होता है सब कुछ, ऊपर सॉस डाली होती है ना, बहुत कुछ होता है पिज़्ज़ा के ऊपर। तो जो पिज़्ज़ा लेके आए थे वो उसके ऊपर क्या क्या था, द पिज़्ज़ा वॉज टॉप्ड विद लोट्स ऑफ गोट्स चीज, गोट चीज़, गोट चीज़ यानी बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, उस पिज़्ज़ा के ऊपर क्या था, बकरी से के दूध से बना हुआ बहुत सारा, लोट्स ऑफ होता है बहुत सारा पनीर था उस पिज़्ज़ा के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हु मेड पास्ता फॉर एवरी वन। पास्ता किसने बनाया था सबके लिए, पास्ता कौन लेके आया था, द डियर मेड पास्ता फॉर एवरी वन, हिरन, डियर होता है हिरन, हिरन क्या था सबके लिए पास्ता बना के लेके आया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डिड द जिराफ मेक सैलड फॉर द एनिमल। जो जिराफ था उसने सभी जानवरों के लिए सैलड किस चीज़ से बनाया था, कैसे बनाया था। सैलड क्या होता है, यानी एक होता है फ्रूट सैलड बेटा, जिसमें सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, कीवी हो गई, जैसे कोई भी गवावा हो गया, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट होते हैं ना, तो वो होता है फ्रूट सैलड। एक होता है वेजिटेबल सैलड, जिसके अंदर हो गए अनियन, टमाटो, कुकम्बर, ठीक है, रेडिश, कैरेट, ठीक है, गाजर, मूली वगैरह ऐसे सजा के हम खाते हैं ना सैलड, वो वेजिटेबल सैलड होता है। तो फिर जो डियर था, जो सॉरी जिराफ था, वो जो सैलड लेके आया था वो क्या था, द जिराफ मेड सैलड बाय, किस चीज़ से सैलड बना के लेके आया था वो, मिक्सिंग कुकम्बर, कुकम्बर थे यानी कि खीरे, टोमेटो यानी टमाटर, एंड सैलड लीव्स यानी कि कुछ पत्ते, जैसे पत्ते कौन से होते हैं, लगा लो गोभी, पत्ता गोभी होती है ना, उसके पत्ते बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग सैलड के अंदर, साफ़ करके अच्छे से उनको काट के, और उनके पत्तों को सैलड के अंदर बहुत मतलब अच्छे से खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो 3-4 चीज़ों को मिक्स करके सैलड बना के लेके आया था। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन ही करेंगे हम, एकदम से सारे नहीं करेंगे, तो बाकी के हम कल करेंगे। तो ये जो है आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन ऊपर आपने यहाँ पे जब हमने किया था एक स्टार्टिंग में भी किए थे ना इसके क्वेश्चन आंसर्स, अर्ली क्वेश्चंस थे, उसी के नीचे मतलब नीचे तो नहीं, थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा स्टार्ट करना है यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, इसके पहले भी हमने किए हुए हैं इसी चैप्टर के वर्ल्ड एनिमल डे के, आपने कल किए थे जो क्वेश्चन आंसर्स वो ख़त्म हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर आपने ये स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख के। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ उसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर। ओके, टेक केयर।